हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जिससे काफी सारे टूल्स की अनबॉक्सिंग और बहुत सारे मोबाइल के ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, जो कि यूट्यूब पे देखने से कहीं भी नहीं मिल सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाला हूँ ओवन के इस मल्टीमीटर के बारे में। तो इसकी खासियत क्या है, ये मल्टीमीटर में आपको बताने वाला हूँ कि ये जो मल्टीमीटर है फ्रेंड्स, इससे तो हम कैपेसिटर और रेजिस्टेंस वगैरह चेक तो कर सकते ही हैं, लेकिन साथ में फ्रेंड्स हम इससे चेक कर सकते हैं हमारा I2C क्लॉक डाटा वाले जितने भी सिग्नल्स होते हैं। ये एक ऑस्किलोस्कोप की तरह काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवन हैंडल ऑस्किलोस्कोप। तो इसके अंदर ऑस्किलोस्कोप भी है, जिससे हम क्लॉक डाटा सप्लाई, RFFE सप्लाई वगैरह चेक कर सकते हैं। 40 मेगाहर्ट्ज की सप्लाई हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं हमारे चैनल पे। और यहाँ पे अभी तक हम यूज करते थे फ्रेंड्स इस तरह का DSO, जैसे आप देख सकते हैं DSO जो था हमारा, ये 100 मेगाहर्ट्ज का होता था, 100 मेगाहर्ट्ज का DSO होता था। और इसमें अपने को दो चैनल मिलते थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों चैनल। तो इसी को सेम, इसी के जैसा ही तो इस वाले मल्टीमीटर में फ्रेंड्स हम सेम हमारे DSO के जैसा क्लॉक डाटा वगैरह सप्लाई चेक कर सकते हैं। आपका चाहे क्रिस्टल का सप्लाई हो या टच की फ्रिक्वेंसी हो, सारी चीज में टच कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लेके आता हूँ आपको इसको हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा हमारा DSO काम करता है, वैसे ही ये मल्टीमीटर भी हम फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसमें आपको मल्टीमीटर मिल जाएगा और ऑस्किलोस्कोप मिल जाएगा, और इसमें आपको एक जनरेटर का भी ऑप्शन है। और ये जो मल्टीमीटर होने वाला है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है, मतलब इसको हम चार्ज कर करके यूज कर सकते हैं, तभी जा करके ये प्रॉपर आपको वैल्यू वगैरह शो करता है। तो चलिए फ्रेंड, देना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। बॉक्स खोलते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैं बॉक्स खोलता हूँ तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक बैग मिलेगा, जैसा आप देख सकते हैं। ये बैग के अंदर हमारा मेन मल्टीमीटर होता है, इसको मैं बाजू रख देता हूँ। और जो केबल्स हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारे मल्टीमीटर की तरह जब हम इसको यूज करेंगे, तो ये वाले दोनों रेड और ब्लैक प्रोब्स को यूज करना है। इसको मैं यहाँ पे बाजू रख देता हूँ इसको भी। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये चैनल वन और चैनल टू में लगाने के लिए ऐसे दो हमको यहाँ पे केबल्स मिलेंगे। ये देख सकते हैं, एक केबल यहाँ पे है जिसमें हमको क्रोकोडाइल प्रोब भी यहाँ पे दिया है, दो अलग अलग तरह के। तो एक मिलेगा यहाँ पे चार्जर, ये देख सकते हैं। ये चार्जर इसलिए दिया गया है फ्रेंड्स, ये जो मल्टीमीटर होता है इसके सामने इस तरह का अमेरिकन टू इंडियन कन्वर्टर देख सकते हैं ऐसा। तो ये टाइप सी का चार्जर है जो मल्टीमीटर को चार्ज करने के लिए दिया गया है। इसके अलावा अगर हम नीचे बात करें, एक यूज़र मैनुअल होता है, अगर आपको पढ़ना है तो ये इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो इसको भी बाजू रख देते हैं और नीचे देख लेते हैं। और नीचे वारंटी कार्ड वगैरह मिलेगा और कुछ एक स्क्रू ड्राइवर्स है इसके ओपन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ हमारी काम की नहीं है, हम इसमें से सबसे पहले हम इसको बाजू रख देते हैं और इसमें से सिर्फ हम निकाल लेंगे एक DSO वाला एक केबल, ताकि हम फ्रिक्वेंसी चेक कर सकें, और एक मल्टीमीटर वाले दो प्रोब्स निकाल लेते हैं ताकि हम मल्टीमीटर जैसा इसको यूज कर सकें। तो सबसे पहले मैं ये बॉक्स को बाजू रख देता हूँ, तो इसको बॉक्स को बाजू कर देते हैं। और यहाँ पे जो मेन मल्टीमीटर है, चलिए फ्रेंड देर ना करते हुए खोलते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ओवन का, यहाँ पे आप नंबर बताना चाहूंगा HD S242। तो चलिए इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। हालांकि बॉक्स की जो क्वालिटी है, जो इसका बैग है, अच्छी क्वालिटी है, इसको बाजू रख देते हैं। तो मल्टीमीटर में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंड दिया गया है इस तरह से यहाँ पे रखने के लिए। और अगर बात करें यहाँ पे राइट साइड में पावर, देख सकते हैं चार्जिंग का जो केबल है, यहाँ से आपको इस तरह से उठाना है। और 1 kHz का यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दे रहा है सबसे पहले चेक करने के लिए। ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमको टाइप सी का चार्जर लगाना है और यहाँ पे ग्राउंड और ये प्रोब्स चेक करके पहले सबसे पहले इसको देखना है। इसकी जो बैटरी आती है अंदर होती है, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर बात करें आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो चैनल वन और चैनल टू लगाने के लिए, जो हमारे पास इस तरह का ये प्रोब्स आते हैं, इसके DSO के प्रोब्स उसी तरह का प्रोब है। तो मैं यहाँ पे चैनल वन में इसको लगा लेता हूँ, लगा करके इस तरह से फिट कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया, अभी DSO का जो वायर होता है हमने इसको सेट कर दिया है। ये इसका ग्राउंड होता है जैसे आप जानते हैं, ये इसकी चेकिंग पॉइंट होती है। चलिए यहाँ पे जो मल्टीमीटर की तरह भी इसको रेडी कर लेते हैं। तो लाल प्रोब आपको लगाना है यहाँ पे, ये V, और जो हमारा ओम्स का सिंबल, डायोड कैपेसिटर का सिंबल है, यहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये फ्रेंड्स, इसमें कैपेसिटर का भी वैल्यू ये बहुत अच्छी तरह से बताता है। तो यहाँ पे देखेंगे
ये कॉमन में लगाना है और यहाँ पे इसको ऑन करने के लिए फ्रेंड्स, इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्विच, जिसे प्रेस करके रखेंगे देख सकते हैं ग्रीन यहाँ पे बटन आ गया और ये यहाँ पे ऑन हो चुका है। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले बात करूं यहाँ पे मोड का ऑप्शन है, तो मोड के ऑप्शन से आप इसको ऑस्किलोस्कोप बना सकते हैं या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डीसी रेंज में ये भी सेट है, ऑटो पे है, रेंज 2 वोल्ट पे सेट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप कॉर्नर पे आप देख रहे हो यहाँ पे रजिस्टर का ओम्स और बजर की साउंड, डायोड का सिंबल है, कैपेसिटर का सिंबल है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे अभी ये डायोड यहाँ पे डीसी में है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने F4 दबाया तो यहाँ पे रजिस्टर में आ गया, फिर से मैंने F4 दबाया ये कंटिन्यूटी बीप रेंज में आ चुका है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा ये देख सकते हैं साउंड कितनी सॉलिड साउंड आ रही है इसकी कंटिन्यूटी, ये देख सकते हैं बहुत अच्छा साउंड आता है इसमें। अभी नेक्स्ट देखेंगे कंटिन्यूटी के बाद। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं डायोड मोड अगर देखना है, इसके बाद कैपेसिटर का वैल्यू निकालना है, नैनो फैराड, पिको फैराड, मिली फैराड, जो भी है आपका माइक्रो फैराड यहाँ से निकाल सकते हैं। अगेन हम आ जाएंगे यहाँ पे रजिस्टर। अब अगर इसको फ्रेंड्स आपको अगर से आपको चेंज करना है, आपको मोड चेंज करना है और ऑस्किलोस्कोप बनाना है, तो यहाँ पे मोड का ऑप्शन जैसे मैं चेक करूंगा तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जादू हो चुका है और मल्टीमीटर जो है आपका नॉर्मल से ऑस्किलोस्कोप में आ चुका है। तो यहाँ पे F लिखा है देख सकते हैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के लिए मेगाहर्ट्ज़ है या जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी है, सारी चीज यहाँ पे आप इसको स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। जैसा कि F1 में देख सकते हैं सारा ट्रिगर कपलिंग ये सारी चीज चेक कर सकते हैं, चेंज करना है टाइप ऑटो में रखा है। F2 अगर दबाऊं तो AC को DC हो रहा है कपलिंग, यहाँ पे अगर F4 दबाऊं तो राइजिंग एज ट्रिगर सेंटर फोर्स सारी चीज है। तो यहाँ जहां भी आपको चेक करना है वो कर सकते हैं आप। दो ऑप्शन दिए गए हैं, ये चार सेटिंग्स है इसके अंदर। इसके अलावा बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो, नॉर्मल, सिंगल, जो भी आपको रखना है। इसे अगर बैक आना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली बैक आ सकते हैं, और आपको अगर से कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ये ऑटो का बटन दबा दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। अभी मैं इससे आपको फ्रीक्वेंसी भी चेक करके बताऊंगा, तो ऑटो का बटन याद रखिए। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, सेव करना है सेटिंग चेंज सेट कर देने के बाद में, तो यहाँ पे आप इसको सेटिंग को सेव भी कर सकते हैं, चेंजेस वगैरह आपको नहीं करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों बटन यहाँ पे दिए गए, जो भी आपका आपको चेक करना है यहाँ से हटाना है, ये देख सकते हैं ये लाइन जो हम नीचे करते हैं, ये देखिए लाइन हमारी जो सेंटर पॉइंट होता है इसका, यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है। और अगर ऊपर से भी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज इसमें है। तो अभी फिलहाल मैं आपको इसमें बस फ्रिक्वेंसी चेक करके बताता हूँ, इसके अलावा कुछ रजिस्टर कुछ कैपेसिटर्स वगैरह भी इसमें चेक करके बताता हूँ। और फ्रेंड्स ये पहला हिंदी का वीडियो है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बात करें इस मल्टीमीटर की, अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे आप तो एक भी हिंदी में वीडियो आपको नहीं मिलेगा, जितने भी वीडियोस मिलेंगे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेंगे। तो हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में, हमारी देसी भाषा में पहला ये वीडियो है जो कि आपको फोन फिक्स हैदराबाद के यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है। और ये मल्टीमीटर का प्राइस मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, कहीं पे भी बता सकता हूँ, वीडियो स्किप मत करिए, स्किप करके मत देखिए, अदरवाइज बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएगी। तो फ्रेंड DSO में काफी सारा पैसा खर्च करने से अच्छा है ये वाला मल्टीमीटर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक बार DSO भी मेरे पास है, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं इसमें फ्रिक्वेंसी ही आपको चेक करके बताऊंगा, और DSO भी मेरे पास है। और अगर DSO का प्रोब की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास DSO का भी सेम ऐसा ही प्रोब आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1x10x लिखा होता है, 1x है या फिर 10x में रखना है, तो आपको दोनों प्रोब्स को 10x में ही रखना है। जैसा कि इसमें भी अगर बात करूं मैं तो इसको भी 10x में रखना है, इसको भी 10x में रखना है। तो चलिए मैं सबसे पहले एक मोबाइल में यहाँ पे मैं DSO में आपको फ्रिक्वेंसी चेक करके बताता हूँ, जो हमारी क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी होती है, उसके बाद मल्टीमीटर से भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो हम ये काम दोनों भी चीजों से कर सकते हैं, चाहे आप चाहो तो मल्टीमीटर से चेक कर लें, अगर आप चाहो तो DSO से भी कर सकते हैं। तो ये मोबाइल में यहाँ पे मेरे पास एक मोबाइल है, इसको मैं ऑन कर लिया हूँ जैसे आप देख सकते हैं, और ऑन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस पत्रे में मैंने ग्राउंड यहाँ पे टच कर लिया है, ताकि ये ऑस्किलोस्कोप का जो है एक प्रोब हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे DSO में सबसे पहले फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए यहाँ पे मैं पहले ग्राउंड लगा देता हूँ, और उसके बाद यहां से हम चेक करेंगे। तो DSO में आप देख सकते हैं यहाँ पे 19.2 मेगाहर्ट्ज का यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आपको शो हो रहा होगा, थोड़ा करीब से बताना चाहूंगा मैं। तो 19.2 मेगाहर्ट्ज यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्रिक्वेंसी में,
तो ये हमारा सिग्नल यहाँ पे बन रहा है। अब यही चीज को मैं आपको इस वाले मल्टीमीटर में बताना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 19.2 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पे नीचे बताना चाहूंगा मैं, देख सकते हैं सेम फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आ चुकी है। फ्रिक्वेंसी में आप देख सकते हैं 19.23 मेगाहर्ट्ज़ का यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चल रहा है। तो ये देखिए, मैं जैसे प्रोब हटा देता हूँ तो यहाँ से चला गया, और वापस से मैं प्रोब टच करूँगा, ये देख सकते हैं बहुत आसानी से यहाँ पे हमको ये सिग्नल चेक करने मिल रहा है। कोई भी जगह जाते हो आप, समझ नहीं आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेक करके बता दी है। ये तो हो गया फ्रेंड्स फ्रिक्वेंसी चेक करना। जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स, इसमें हम फ्रिक्वेंसी बहुत इजीली चेक कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, ऑटो का रेंज होता है। बस आपको एक प्रोब ग्राउंड अच्छे से कनेक्ट करना है, तो ग्राउंड के लिए ये वाला प्रोब आता है और चेक करने के लिए ये वाला। तो चलिए, अभी ये फ्रिक्वेंसी तो हमको सेम इससे और डीएसओ से दोनों से सेम फ्रिक्वेंसी तो मिल गई हमको। अब इसमें फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे मोड के बटन में। तो मैं मोड पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रेजिस्टर्स के मोड में है। तो अब हम यहाँ पे कुछ रेजिस्टर्स चेक करेंगे इससे। यहाँ पे एक मैं मदरबोर्ड ले लूंगा कोई भी, तो मेरे पास ये Redmi Note 7 Pro का एक मदरबोर्ड है। तो ऊपर मैं बताना चाहूंगा आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों रेजिस्टर्स है। ये एक बार इसको चेक कर लेते हैं कितने वैल्यू के है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैलकुलेट करके बता रहा है, ये 21 ओम्स का रजिस्टर है, मतलब ये एक लो वैल्यू रजिस्टर है। उसके नीचे वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी बहुत कम ओम्स का रजिस्टर है, मतलब 0 ओम्स का रजिस्टर होगा, जो कि बजर में अगर आप चेक करोगे तो बीप आएगी इसमें। इसमें फ्रेंड्स आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे किलो हो या मेगा ओम्स हो, सारा का सारा रेंज यहाँ पे मेगा ओम्स तक सेट है, 0 ओम्स से लेकर के मेगा ओम्स तक ये बता देता है। उसके अलावा यहाँ पे टच के पास मैं आपको चेक करके बताना चाहूंगा, थोड़े से इसमें प्रूफ थोड़े मोटे हैं बट हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ओम्स है, ये भी वाला आपको 0 ओम्स का रजिस्टर है। इसके बाद में अगर बाजू वाला चेक करेंगे तो फोर्थ नंबर पे ये देख सकते हैं 1K यहाँ पे बता रहा है। थोड़ा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, 1K का रजिस्टर है फोर्थ नंबर का। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये फोर्थ वाला, यहाँ मल्टीमीटर में भी देख लेते हैं, देख सकते हैं 1K का वैल्यू बता रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे फिफ्थ वाले नंबर पे, तो फिफ्थ नंबर पे जैसे हम चेक कर रहे हैं, ये वाला भी आपको करीब करीब 1K के आसपास का है। उसके बाद सिक्स नंबर का देखेंगे तो सिक्स नंबर का जो देख रहे हैं ये भी 1K के आसपास का है। उसके बाद सेवन्थ नंबर पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक 1K के आसपास का है। और यहाँ पे लास्ट से तीन देख लेते हैं तो ये भी एक 1K का है। उसके बाद वाला देख सकते हैं 2.2K, ये जो होता है हमारा क्लॉक डाटा सप्लाई में होता है ऐसा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रजिस्टर मिल रहा है 2.2K का। ऊपर से अगर देखेंगे तो तीन नंबर का मल्टीमीटर में बताना चाहूंगा, जो K का वैल्यू है डायरेक्टली ये शो कर रहा है। इसके बाद अगर बाद वाला देखेंगे तो इसके बाद वाला भी देख सकते हैं, ये भी 2.2K, ये हमारा क्लॉक डाटा की सप्लाई वाले रजिस्टर्स होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक राइट साइड में रजिस्टर है, ये देख सकते हैं 99 ओम्स बता रहा है। तो इस ऐसे ही फ्रेंड्स अभी एक मैं आपको मेगा ओम्स का रजिस्टर बताना चाहूंगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं R0516 जो है 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर है। यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है R0516, ये देख सकते हैं 1 मेगा ओम्स। तो चलिए इधर आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप बताना चाहूं मैं आपको, तो ये बीच वाला जो रजिस्टर हमारा ये 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर होता है। बाकी के ये भी देख लेंगे हाई वैल्यू के ही रजिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर में बताना चाहूंगा आपको, ये देख सकते हैं एक प्रोब लगा देते हैं रजिस्टर के एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेगा ओम्स में इन्हें वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ चुका है 1.2, मतलब 1 मेगा ओम्स का वैल्यू आ चुका है। तो आप मेगा का भी चेक कर सकते हैं। अब ये दूसरा रजिस्टर चेक कर रहा हूँ मैं, इसका वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर बताना चाहूंगा अभी वाला, ये वाला रजिस्टर चेक कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई वैल्यू यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लो वैल्यू का रजिस्टर होता है। अगर मैं यहाँ पे अगर ऊपर ये वाला रजिस्टर चेक करना चाहूँ, ये देख सकते हैं ऊपर का,
तो यहाँ पे देख लेते हैं, देख सकते हैं 2.2K का ये रजिस्टर है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये देख सकते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं, ये 10K का रजिस्टर है। तो रजिस्टर्स का देख सकते हैं हम कितना एग्जैक्टली वैल्यू आ रहा है इस वाले मल्टीमीटर में। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ से हम कंटिन्यूटी बोर्ड में ये देख सकते हैं बीप रेंज ट्रैक चेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर देखें तो डायोड रेंज में इसका वैल्यू निकाल सकते हैं या डायोड को खुद चेक कर सकते हैं। एक डायोड मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये देख सकते हैं ये डायोड का लकीर जो होती है इसकी माइनस सिरा या प्लस सिरा, तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू, यहाँ पे डायोड का वैल्यू आ रहा है 200 के आसपास। अगर मैं पलटा के अगर चेक करूँ तो ये ओपन आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये हमारा डायोड भी सही है। ऐसे ही कैपेसिटर्स हो गया, कैपेसिटर का वैल्यू आप इसमें एक्यूरेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक और मोड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटर का एक वैल्यू यहाँ पे बता रहा है जो कि नैनो फराड से लेके आपका रेंज स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं ये वाला एक कैपेसिटर आपको चेक करके बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं कोई भी एक ले लेते हैं यहाँ से, ऐसे ही से घुमाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं चेक करने के लिए कैपेसिटर है, तो इसका एक वैल्यू, ये सारे कैपेसिटर ही है हालांकि, तो इसका भी वैल्यू चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कुछ आता है क्या देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये मिली फेराड में ये बता रहा है कैपेसिटर का वैल्यू। ऐसे ही और बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं यहाँ पे, अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे भी एक और कैपेसिटर है, इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं, देख सकते हैं 122.03 माइक्रो फराड यहाँ पे बता रहा है ये, मतलब 1 माइक्रो फराड से ज्यादा का कैपेसिटर है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ नैनो फेराड में होते हैं, कुछ माइक्रो फेराड में होते हैं, कुछ पिको फेराड में होते हैं कैपेसिटर्स। तो यहाँ पे भी एक कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं, तो एग्जैक्टली वैल्यू भी इसकी कैसे निकालना है, क्या करना है, सारी चीज आपको मैं यहाँ पे क्लास में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स जैसा आप देखें इस वाले मल्टीमीटर के अंदर आप ऑस्किलोस्कोप जैसा यूज कर सकते हैं, डीओसो जैसा सिग्नल आप चेक कर सकते हैं, डाटा और क्लॉक लाइन चेक कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी, स्लीप क्लॉक हो गया, या फिर आपका बेस बैंड क्लॉक, आरएफ क्लॉक, मेगाहर्ट्ज़ किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको चेंज करेंगे मोड तो ये तो फ्रीक्वेंसी मोड में चला जाएगा, अगर इसको चेंज करेंगे तो रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड वगैरह चेक कर सकते हैं, ट्रैकिंग चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा मल्टीमीटर लगा हमको। अगर आप डीएसओ का अगर कंपैरिजन करेंगे तो डीएसओ ना लेकर के ये वाला मल्टीमीटर लेंगे तो दोनों काम हो जाएंगे। और यहाँ पे आप चार्जिंग का भी ऑप्शन है, इसमें देख सकते हैं चार्जर लगा के भी इसको चार्ज कर सकते हैं, कितना चार्ज है यहाँ पे ऊपर बताता है ये, देख सकते हैं ये। तो ये एक नया मल्टीमीटर जो हमने मंगाया था, तो हमने सोचा कि हमारे स्टूडेंट्स और हमारे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स को इसको शेयर कर देते हैं ताकि उनको भी इसके बारे में मालूम चले। इसका प्राइस है जो है फ्रेंड्स, आपको ये अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे आप 15-16 हजार में आपको बताएगा, लेकिन अगर आप ये लेना चाहते हैं तो वो आपको डिस्काउंट करके 11,000-11,500 के आसपास आपको दे देगा बंदा। अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट करिए, नंबर दे देंगे आपको। हालांकि इसका मॉडल अगर आप डालेंगे ओवन एचडी S242 तो भी आपको ये मिल जाएगा ऑनलाइन, बहुत सारी जगह पे सर्च कर सकते हैं। तो डीएसओ जो आ रहा है फ्रेंड्स अभी 18-20 हजार का डीएसओ मार्केट में मिल रहा है, वो भी लेना है तो ले सकते हैं, या फिर ये लेना है ले सकते हैं आप। लेकिन सबसे पहले टूल्स लीजिए, माइक्रोस्कोप लीजिए, अच्छी डीसी लीजिए। इससे पहले मैंने वीडियो डाला था ओवन का 10 एम्पियर और 30 वोल्ट का ये जो डीसी है इसका वीडियो हमने डाला था इससे पहले। तो ओवन के प्रोडक्ट जो होते हैं पूरे ब्रांडेड होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करता है ओवन वाले। तो वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें फ्रेंड्स, और अच्छे से सीखना है फोन फिक हैदराबाद ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपको हैंड स्किल के साथ साथ सर्किट की नॉलेज मिलती है और पूरा पीसीबी में सारी चीजें बताते हैं, सीपीयू कैसे वर्क करता है, लो बूटिंग क्या होती है, हाई बूटिंग क्या है, शॉर्टिंग है, लीकेज है, डेड मोबाइल को चेक करने के कम से कम स्टेप्स में आप डेड मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं, लाइट, चार्जिंग, ग्राफिक, नेटवर्क, ऑडियो, रिंगर, माइक, स्पीकर, हेडफोन, सेंसर, जितने भी है चीजें, सारे चीजों का सेक्शन यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। बेसिक चीज आपका स्ट्रॉन्ग करते हैं, कंपोनेंट चेक करना हो, चाहे कैपेसिटर हो, रेजिस्टर हो, डायोड हो, या फिर आपका कॉइल हो, बक कॉइल, बूस्ट कॉइल, फिल्टर कॉइल, इसके अलावा रेजिस्टर्स में लो वैल्यू, हाई वैल्यू रेजिस्टर, थर्मिस्टर और आपका एलडीआर, सारे जितने भी टाइप के रेजिस्टर्स होते हैं सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर कराया जाता है। हेडफोन लोगों का सिंबल आ रहा है विदाउट हेडफोन लगा कर, उसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सारी चीजें होती है फ्रेंड्स। पावर एसी की बूट सीक्वेंस क्या होती है, पावर बूट सीक्वेंस क्या है, कैसे मोबाइल ऑन होता है, मीडियाटेक में कैसे होता है, क्वालकॉम में कैसे होता है, सारी चीज यहाँ पे बताई जाती है।
तो अच्छे से अगर आपको सीखना है तो फोनफिक हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हैं। 27 जनवरी से बैच है हमारा, उसकी बुकिंग चल रही है। नेक्स्ट हमारा 27 फरवरी का बुकिंग है। अगर आप चाहें तो कॉल करके व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं और एक अच्छा प्रोफेशनल टेक्नीशियन बन के काम करिए। बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, कुछ ना कुछ करते थे, इतने सारे टैप्स होते हैं सॉफ्टवेयर में, UFI के अंदर, UMT के अंदर, बच्चे हैंडसेट को डेड कर देते हैं, फिर उसके बाद उनको रिपेयर करना नहीं आता है, फिर वो कस्टमर से लड़ते हैं, या तो वो ऑनलाइन वालों के पास जाते हैं और वो पैसा लेकर के उनका ऑनलाइन में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप फंस जाते हैं। तो फ्रेंड, दुकान आप लगा रहे हैं, काम आपको पसंद है, थोड़ा सा इन्वेस्ट अपने आप पर भी कर लीजिए। मतलब हम खाने पीने में, कपड़े पहनने में तो इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ी सी पैसे नॉलेज को बढ़ाने में कर लीजिए, ताकि उसी से आपको पैसे आने वाले हैं। जो नॉलेज आप अपने अंदर बढ़ाएंगे, जो काम सीखेंगे, सीख के जाके जब काउंटर पे माइक्रोस्कोप के सामने बैठेंगे तो आप उससे 10 गुना पैसा आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।